Go to any tribal area, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha. Make the deal, sign the contract, take the money. और उसके बाद स्टेट सरकार का जिम्मेदारी रहेगा टू सेटल द ट्राइबल क्लेम्स। मैं ये कह सकता हूँ कि हम गला काटने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपने जंगल जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो जंगल में रह रहा है वही जो है वनवासी है, उसी के पास राइट्स होने चाहिए। लेकिन जो प्लेन में है, जो हिली एरियाज में है, जो और मैदानी इलाकों में और अलग एरियाज में, उन सबको वो उस कैटेगरी में नहीं शामिल करना चाहती। इसके जरिए वो डिवीजन करना चाहती है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक का स्वागत है। मैं हूँ मुकुंद और अभी मौजूद है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में, जहाँ पर उड़ीसा में जो पिछले कई लंबे समय से आदिवासियों को नियमगिरी में संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर मूल निवासी समाज सेवक संघ ने आज एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने वहाँ से जुड़े कई मुद्दे उठाए। इसके अलावा जो आदिवासी समाज के संघर्ष से जुड़े अलग लोग हैं वो भी शामिल हुए, और उन्होंने एक देश भर में जो आदिवासियों पर हमले बढ़े हैं और उनके आंदोलनों पर जिस तरह से पुलिस का दमन बढ़ा, उसको लेकर एक प्रेस वार्ता रखी। उससे बात कर समझने का प्रयास किया जो उनका आंदोलन इस समय किस हाल में है और वहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं, उसको लेकर उस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और आगे का रास्ता क्या होगा। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। केंद्रीय सरकार को इस चुनाव के पहले, कोड ऑफ कॉन्डक्ट आने के पहले, तनाव जैसे परिस्थिति बनाना चाहता है, इसलिए क्योंकि उसने कानून बदला, कानून में परिवर्तन हो गया, और कानून से परिवर्तन करने का नतीजा ये निकला कि 75% फॉरेस्ट लैंड जो है, ट्राइबल लैंड, उसको फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा। फॉरेस्ट लैंड नहीं मानेगा तो उस एरिया में कंपनियां को लाना मुमकिन होगा। अगर पूरा एरिया फॉरेस्ट लैंड है तो उसमें कंपनी नहीं आ सकता है। अगर इसमें नया कानून की वजह से अगर ये फॉरेस्ट लैंड इतना माना जाएगा 25%, तो उसमें कंपनियां को ला सकता है। जब हम सब लोग कोविड के दौरान अपने लिए हॉस्पिटल में बेड खोज रहे थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर खोज रहे थे, उस समय जिसे हम लोग सरदार पटेल स्टेच्यू बना हुआ है गुजरात के भीतर, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से सब लोग जानते हैं, वहां पर उसकी पार्किंग बनाने के लिए 12 आदिवासी गांवों को उजाड़ दिया गया था, सिर्फ स्टेच्यू की पार्किंग के लिए। बीजेपी इस देश के लोगों को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स खेलती है, और उस डिवाइड की पॉलिटिक्स में वो कभी एससी को एसटी से लड़ाती है, कभी एसटी की एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाती है। यूएपीए लगाना, लोगों को जेल में डालना, इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है, केंद्रीय सरकार खास लेकिन राज्य सरकार भी, उस एरिया में कंपनियां को लाना चाहता है, और पूरा फॉरेस्ट का जो क्या कहते हैं उसका वेल्थ जो है, वो सारे जो आदिवासी का है वर्तमान कानून अनुसार, अब चला जाएगा कंपनी के हाथ में। इतना बड़ा चेंज हो गया है, इस सरकार ने इतना खास परिवर्तन किया, हम लोग यकीन नहीं कर सकते। गो टू एनी ट्राइबल एरिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मेक द डील, साइन द कॉन्ट्रैक्ट, टेक द मनी, और उसके बाद स्टेट सरकार का जिम्मेदारी रहेगा टू सेटल द ट्राइबल क्लेम्स। बट एट दैट टाइम सेटलिंग द ट्राइबल क्लेम्स विल बी इम्पॉसिबल, क्योंकि ऑल द लैंड विल गो। उड़ीसा में हो रहा है, मणिपुर हिल एरियाज, यू नो मणिपुर हिल एरियाज, द लैंड हैज ऑलरेडी बीन गिवन because this amendment took place. जो जंगल में रह रहा है वही जो है वनवासी है, उसी के पास राइट्स होने चाहिए। लेकिन जो प्लेन में है, जो हिली एरियाज में है, जो और मैदानी इलाकों में और अलग एरियाज में, उन सबको वो उस कैटेगरी में नहीं शामिल करना चाहती। इसके जरिए वो डिवीजन करना चाहती है, हिल्स और प्लेन के बीच में, प्लेन और फॉरेस्ट के बीच में, और इसके जरिए वो डिवाइड करके अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना चाहती है। जबकि जो फॉरेस्ट एरियाज में है उन्हें उन इलाकों उन लोगों के लिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स के नाम से एक अलग टाइटल दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लीगल टर्म्स के रूप में भी उसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन वनवासी के जरिए वो उसके ऊपर कल्चर इम्पोजिशन भी थोपना चाहती है कि जो उनकी अपनी आरएसएस की जो कल्चर है उसको भी थोपना चाहती है कि नहीं, हमारा जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जो रामायण और महाभारत में जिसमें वन
का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें शबरी से वो जोड़ते हैं, उसे ही वो अपने आप में दरअसल कल्चरल इम्पोजिशन वो आदिवासियों को पुश कर रही है, वो डिवीजन भी कर रही है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट था तब भी जो है कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ नियमगिरी लोगों ने आवाज़ उठाई, और आज जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को इन्होंने अमेंडमेंट करके मेरे हिसाब से फॉरेस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एक्ट कर दिया, जिसके चलते 74,000 crore का नया माइनिंग्स दिया गया। उस साउथ ओडिशा में करीब अडानी और वेदांत को बड़े माइनिंग्स दिया गया, जिसके चलते आप जो उसमें जो पहले था कि ग्राम सभा का कॉन्सेंसस लेना है, उसमें था कि पब्लिक हियरिंग करना है, उसमें ये था कि लैंड के बदले लैंड दिया जाएगा, इसमें सीधा सीधा आपको डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है और उसमें जंगल को ही जमीन के घोषित कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया मोदी सरकार के हाथ में आएगा इलेक्शन के पहले, और इसलिए लोगों को अरेस्ट करना, जेल में डालना ज़रूरी है, क्योंकि लोग नाराज हो गया, लोग और सहमत करने के लिए तैयार नहीं है, आदिवासी फाइटिंग मूड में है, तो फाइटिंग मूड में होगा इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद उसको दबाना कैसे। माही डैम के आसपास के जो गांव है वो पानी के लिए तरस रहे हैं, उनके पास बड़ा डैम है, बहुत बड़ा डैम है जिसके पानी की सप्लाई गुजरात और मुंबई तक हो रही है, लेकिन वहां का आदिवासी जो 1 किलोमीटर के दायरे में आदिवासी है उसके पास पीने का पानी नहीं है। गुजरात से लेकर के आप मिजोरम तक चले जाइए, आप आइलैंड्स में चले जाइए, लक्षद्वीप में चले जाइए, अंडमान निकोबार में चले जाइए, सब में जब देखेंगे तो दरअसल आप देखने को मिलेगा कि स्टेट ने जो ज़मीन को हड़पने की प्रोसेस है बहुत तेज़ी से अब शुरू कर दिया, और उसके लिए वो अलग अलग पैटर्न पर ज़मीन हड़प रही है, इसके लिए वो पार्लियामेंट में लॉ ला करके हड़प रही है, और इसके लिए वो बिना पार्लियामेंट में लॉ पास किए हुए अलग अलग नोटिफिकेशन के जरिए हड़प रही है, इसके लिए वो और नए नए पैटर्न्स फॉलो कर रही है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के नाम पर और किसी और प्रोजेक्ट्स के नाम पर वो लगातार ज़मीनों को हड़प रही है। 75 years होने के बाद लोग नाले का पानी पीते, क्या यही आपका विकास का परिभाषा है? मुझे लगता है ये जो विकास हो रहा है ना, 1% लोगों का विकास हो रहा है, अपर क्लास अपर कास्ट लोगों का, जो जो इस देश का मूल निवासी है, जो आदिवासी है, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ क्योंकि मैं उस जगह से आता हूँ, वहाँ पर शिक्षा भी नहीं है, वहाँ पे 12% भी लिटरेसी ठीक से नहीं है आदिवासी में, तो शिक्षा भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, तो आप विकास का मतलब आपके लिए क्या है पहले मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। पूरे के पूरे ट्राइबल एरियाज को देख लीजिए, मणिपुर की जो फाइट है, नियमगिरी की जो फाइट है, राजस्थान में धौलपुर करौली की फाइट है या कुंभलगढ़ की फाइट है, ये फाइट के बीच में कॉमन ये है कि तमाम एरियाज आदिवासी एरियाज हैं, इन समय एक ही पैटर्न पर आदिवासियों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, इनमें एक ही टाइप की कंपनियां आ रही हैं जो माइनिंग करने के लिए, और माइनिंग में बेसिकली प्रॉफिट के लिए माइनिंग कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि स्टेट को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसकी सब्सटीट्यूट के लिए आ रहे हैं, वो दरअसल प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स के रूप में वहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में आप देखेंगे तो एक दूसरे के साथ सॉलिडरिटी, क्योंकि सब लोग पीड़ित एक जैसे हैं, सब पीड़ित आदिवासी हैं, तो जब मणिपुर में कोई घटनाक्रम होता है तो राजस्थान का आदिवासी प्रतिक्रिया देता है, जब नियमगिरी में कुछ होता है तो मध्य प्रदेश का आदिवासी प्रतिक्रिया दे रहा है, जब झारखंड में कुछ हो रहा है तो छत्तीसगढ़ का आदिवासी प्रतिक्रिया दे रहा है। 21 के पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि शेड्यूल्ड एरिया फॉरेस्ट एरिया में नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी जैसे कि माइनिंग करना गैर कानूनी है, अब वो चेंज करना चाहते हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल करना चाहता है कि सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसको रद्द किया जाए, ये होगा नहीं होगा आने वाले दिनों में मालूम। आदिवासियों ने अलग अलग हिस्सों में पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया, जैसे झारखंड के भीतर हमने झारखंड मुक्ति मोर्चे को देखा, इसी तरीके से अभी एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई है जो मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों को बेस बनाकर, जिसका नाम है भारत आदिवासी पार्टी, तो अब वो अब पॉलिटिकली भी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और वो अब किसी दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, वो चाह रहे हैं कि उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट के भीतर हों, उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के भीतर हों, और वहाँ से वो प्रेशर बिल्डअप करें, वहाँ से वो जो रूल्स उनके खिलाफ बन रहे हैं उनको रोक पाए। आदिवासी लोगों का आंदोलन है, ये आंदोलन उन लोगों का है जो वहाँ पर रहते हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता नाते मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, आदिवासी झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि हम गला काटने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपने जंगल जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सरकार चाहे कानून बदल दे, सरकार चाहे कितना आर्मी फोर्स लगा दे, लेकिन
ये कभी अदानी अंबानी या सरकार दिन में सपना देखना बंद करे, क्योंकि हम जेल में नहीं मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम जल जमीन जंगल के लिए नहीं दे सकते।